द परंतु आयस में आप सभी का स्वागत है। तो लेबर लॉ का पहला क्लास हो चुका था हमारा, जो लेबर इंस्पेक्टर में 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। आज दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ। आज इंडिया के परिदृश्य से देखेंगे, इंडिया के व्यू से देखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ से आना लगभग एक क्वेश्चन तय है आज की क्लास से, ठीक। अच्छे से याद कीजिएगा, एक या दो क्वेश्चन भी यहाँ से दे सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भारत के परिदृश्य से देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, दो भागों में बांट सकते हैं इंडिया का। ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, ब्रिटिशों के समय, तो ब्रिटिशों के समय के पूछने का चांसेस बहुत कम है, उसको थोड़ा बाद में देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पहले देख रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंट, आज़ादी के बाद, ठीक। आज़ादी के बाद जो मजदूरी संहिताएं हैं, मजदूरी अधिनियम है, क्या कैसे कैसे रहा हमारा, उसको देखना है, ठीक। हाँ, और एक चीज, ये जो नोट्स है, इसका जो नोट्स है, मैं द परंतु आईएएस ऐप में, ठीक, फ्रीली अवेलेबल, फ्री वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। मेरा जो मानना है, आप खुद पहले लिखिए, उसके बाद वहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक। क्योंकि लिखते लिखते आपको एक बार याद हो जाता है, फिर एक बार रिवीजन करोगे तो पूरा दिमाग में बैठ जाता है। तो आप लेक्चर देखिए, ठीक है, उसके बाद लेक्चर देखते देखते एक बार लिख लीजिए, आपका नोट्स बनते जाएगा, है ना। डायरेक्ट नोट से पढ़ना चाहते तो रिवीजन समय वो ठीक रहता है ना। चलिए, आज़ादी के बाद एक चीज़ सही समझिएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। एक होता है संहिता, है ना, कोड, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कोड, कोड्स, ठीक। संहिता के अंदर आता है अधिनियम, एक्ट, जो जो भी रूल बनता है एक्ट के रूप में बनता है, ठीक। जो भी नियम बनता है हमारा किसके रूप में बनता है, एक्ट के रूप में बनता है ना। तो मजदूरी से रिलेटेड केंद्र सरकार अभी तक क्या किया था, केंद्र सरकार, ठीक, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार बहुत सारा एक्ट बना चुका था, बहुत सारा अधिनियम बना चुका था। कितने सर, 44 अधिनियम बना चुका था। मजदूरी अधिनियम कितने थे, 44, ठीक। लेकिन अब 44 को और भी बनते जाते, और भी आते जाते, है ना। तो क्या किया, ये जो 44 एक्ट हैं, 44 अधिनियम हैं, उसको चार संहिताओं में विभाजित किया। वो चार संहिता के अंतर्गत ये 44 जो एक्ट हैं उसको रख लिया, ठीक। तो हमको ये चार संहिताओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से आप लोगों का, ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन जो बनेगा, पूरे मजदूरी अधिनियम को कितने संहिताओं में बांटा गया है भारत में, ठीक। तो पूरे मजदूरी अधिनियम को चार संहिताओं में बांटा गया है, कितने संहिता में, चार संहिता में, फोर कोर्ट्स में बांटा गया है, ठीक। पहले तो इसका नाम याद रख लीजिएगा, इसी को आज डिटेल पढ़ना है पहले, है ना, ठीक। पहला, ठीक, मजदूरी संहिता, ठीक। इसको मजदूरी संहिता, पहला क्या है आपका, मजदूरी संहिता, ठीक। इसका पूरा नाम बोले तो कोड ऑफ वेजेस, ठीक, मजदूरी संहिता, कोड ऑफ वेजेस, कोड ऑफ वेजेस, मजदूरी संहिता, ठीक। या इसी को बोलते हैं वेतन संहिता भी, है ना, सैलरी वेजेस। तो सैलरी से या मजदूरी से रिलेटेड जितने भी एक्ट थे, जितने भी अधिनियम थे, इसके अंतर्गत रख दिया गया। अब मजदूरी संहिता अपडेट होके 2019 हो गया है, ठीक, पहले अलग था, अब अपडेट होके, क्यों, क्योंकि 2019-20 में मजदूरी संहिताओं में बहुत सारे चेंजेस लाने का केंद्र सरकार घोषणा कर चुका है, एक एक करके राज्य भी उसको अब लागू करने वाला है। और इसमें क्या है, पुराना क्या था, मजदूरी संहिता के अंतर्गत क्या है, ठीक, जो भी संहिता पढ़ेंगे उसके अंतर्गत क्या है, पुराना क्या था, अब क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो करंट को भी इसमें जोड़ के पढ़ना है, क्योंकि नए चेंजेस को पूछने के ज्यादा चांसेस हैं, है ना। तो पहला क्या है, मजदूरी संहिता 2019, क्योंकि 2019 में केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा से पास कर चुका है, लेकिन ये जो संहिताएं हैं उनका
जो 2019 में एक संहिता, बाकी तीन संहिता 2020 में 2020 में पास कर चुका है, ठीक। लेकिन ये तभी पूरा लागू होगा जब सारे राज्य सरकार भी अपने अपने विधानसभा में पारित करें, है ना, अपने अपने राज्य, क्योंकि ये समवर्ती सूची का भाग होता है, ठीक। समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट, मतलब केंद्र और राज्य दोनों पास करें तब ये लागू होगा, ठीक। दूसरा संहिता क्या है? तो दूसरा संहिता है औद्योगिक संबंध संहिता, कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध संहिता, ठीक, कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक, ये 2020 होगा। ये क्या है? 2020। तीसरा संहिता क्या है सर? तो मतलब औद्योगिक संबंध संहिता में जितने भी औद्योगिक एक्ट आए होंगे, उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में जितने भी एक्ट आए होंगे, अधिनियम आए होंगे, वो इसके अंतर्गत होगा, ठीक। तीसरा क्या है सर? कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, ये भी 2020 में पारित किया गया, ठीक। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, है ना, ये भी 2020 कहलाएगा। और चौथा सामाजिक सुरक्षा, मतलब समाज, जैसे महिला हो गए, मैटरनिटी वाला चीजें जो होंगे, ठीक, जो समाज से रिलेटेड होगा, सारे एक्ट को इस संहिता में डाल दिया गया। और फोर्थ क्या है सर? तो कोड ऑन ऑक्यूपेशनल, द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल, ठीक, ऑक्यूपेशनल, द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ये भी कब पास होगा? 2020 में, 2020, ठीक, ये भी कब पास होगा? 2020 में, ठीक। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, व्यावसायिक ठीक सुरक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, एवं कार्य करने की स्थिति संहिता, ठीक, 2020, ठीक। तो चार संहिता, सबसे पहले हमको याद रखना है कितने संहिताएं हैं, कितने कोड्स हैं लेबर के लिए, लेबर लॉ के लिए चार कोड्स हैं, चार संहिताएं हैं, एक मजदूरी से रिलेटेड, एक उद्योग से रिलेटेड, क्योंकि मजदूरी कहाँ करेंगे, ठीक, मजदूरी विधियों के लिए मजदूरी संहिता तो होगा, ठीक, मजदूरी या वेतन संहिता तो होगा, तो मजदूरी या वेतन कहाँ से लेंगे? उद्योग से लेंगे भाई, ठीक, या व्यवसाय से लेंगे, तो व्यवसायिक में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य करने की स्थिति है, याद रखिएगा, और एक सामाजिक सुरक्षा भी देना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक। तो मजदूरी उद्योग व्यवसाय और समाज, ये चार चीज ऐसे करके याद रखिएगा। तो मजदूरी वाला संहिता 2019 में अपडेट किया गया, संशोधन किया गया, हालांकि इनके ईयर्स जैसे इसके 1948 ये सब थे, ठीक, उसको 2019 2020 2020 2020 कर दिया गया है संहिताओं का। तो संहिताओं का ईयर ये वाला याद रखना है, है ना, हालांकि हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे पूरा अभी हम लोग, कि किस संहिता में क्या हो और चेंजेस किया गया, क्या था, कैसे है ये सब, ठीक। तो पहले तो ये याद रखिएगा, इन चार संहिताओं में कितने एक्ट को सम्मिलित कर दिया गया, 44 एक्ट, और राज्यों के नहीं, ये केंद्र के जो एक्ट चल रहे थे उनको, ठीक, 44 अधिनियमों को सम्मिलित किया गया है। अब क्या पढ़ना है सर? एक एक को पढ़ते जाना है और याद करते जाना है बस, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले क्या है हमारा? मजदूरी संहिता, वेतन संहिता, कोड ऑफ वेजेस, है ना, सबसे पहले क्या है हमारा? पहला संहिता,
कोड ऑफ वेजेस, ठीक, मजदूरी संहिता है ना 2019, इसी को क्या बोलते हैं, और एक वेतन संहिता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेतन संहिता, क्या बोलते हैं, वेतन संहिता, ठीक। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा इसमें क्या क्या 2019 इसमें कौन कौन से एक्ट आते हैं, क्योंकि ये पूछ सकता है कि कौन सा एक्ट कौन से संहिता में रखा गया है, कौन सा एक्ट कौन से संहिता में रखा गया है, ठीक। तो मेन पूरा 44 एक्ट तो याद नहीं कर सकते, जो जो जरूरी चीजें हैं मैं बता दे रहा हूं, जो पूछने लायक होते हैं वो उसको मैं बता रहा हूं, है ना, ठीक। तो इसमें संहिताओं में पहला है ना, पहला जैसे क्योंकि मजदूरी संहिता वेतन संहिता है, तो मजदूरी अधिनियम का, ठीक, मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936, मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936 इसी के अंतर्गत कर दिया गया है, ठीक, मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936 इसी के अंतर्गत कर दिया गया है। बोनस अधिनियम है ना, बोनस क्योंकि वेतन से संबंधित भी है, तो बोनस अधिनियम है ना, बोनस अधिनियम भी इसी के अंतर्गत कर दिया गया। बोनस अधिनियम कब आया, 1965। और क्या किया गया है सर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी इसी संहिता में आता है, याद रखिएगा, ठीक, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट भी इसी के अंतर्गत आता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ना, 1948 में जो लाया गया था, 1948 में जो लाया गया था। और इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया है, समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम को भी, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट को भी इसी के अंतर्गत किया गया है, 1976 में जो आया था, ठीक। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, मजदूरी है तो मजदूरी का भुगतान अधिनियम भी इसी में आता है, ठीक, वेतन वाला है यही चीज तो बोनस अधिनियम भी इसी में आएगा, मजदूरी है तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी इसी में आएगा। हाँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का ईयर भी याद रख लीजिएगा कब आया था, 1948, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसका भी ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड है, समान वेतन के लिए, ठीक। ये एक्ट मतलब ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा संवैधानिक जो प्रावधान है ये सभी, ठीक। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, इसका भी याद रखिएगा ईयर। ये सारी चीजें किस संहिता के अंतर्गत आ रहा है, कोड ऑफ वेजेस, ठीक, कोड ऑफ वेजेस। अब ये तो ठीक है ना भाई, अब इसमें क्या क्या चेंजेस लाने के लिए, हाँ इसमें एक चीज और याद रखिएगा, फिर चेंजेस याद करेंगे। इसी के अंतर्गत, इसी संहिता के अंतर्गत एक केंद्र सरकार, इसी संहिता के अंतर्गत क्या करता है, केंद्र सरकार, ठीक, एक फ्लोर रेट डिसाइड करता है। ये फ्लोर रेट क्या है, ठीक, मिनिमम रेट तय करता है मजदूरी का, ठीक, लेबर का, मजदूरी का मिनिमम रेट जो तय करता है वो कौन करता है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। इस फ्लोर रेट से कम इस राज्य सरकार को बोला गया है कि ये आप जो फ्लोर रेट है उससे कम पारिश्रमिक आप नहीं दे सकते, ठीक, इससे कम पारिश्रमिक आप किसी को नहीं दे सकते, लेकिन इस फ्लोर रेट से ज्यादा पारिश्रमिक आप दे सकते हो, ठीक, फ्लोर रेट से ज्यादा पारिश्रमिक आप दे सकते हो, ठीक। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, न्यूनतम मजदूरी को हमारे राज्य में हमने इतना बढ़ा दिया, ठीक, जैसे 172 होगा तो किसी राज्य में वही चीज 200 से पार होगा, 300 से पार होगा, 400 से पार होगा, ठीक। तो
जो मिनिमम रेट तय करते हैं उसको फ्लोर रेट, वो कौन तय करता है? केंद्र सरकार। कौन तय करता है? केंद्र सरकार। तो मिनिमम रेट जो तय करता है उसको फ्लोर रेट बोलते हैं, याद रखिएगा। अब इसी में 2019 में कुछ कुछ संशोधन आने वाला है, इसी संहिता के अंतर्गत कुछ कुछ संशोधन आने वाला है, कुछ कुछ अमेंड आने वाला है। तो अमेंडमेंट को हालांकि आपके सिलेबस में इतिहास बस दिया है, लेकिन करंट का भी तो पूछेगा ही, पूछ सकता है, नहीं पूछेगा ही, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड हुआ है 2020 से अभी तक। ठीक, अभी तक चल रहा है, देखिएगा क्या क्या अमेंडमेंट है, ठीक, क्या क्या संशोधन है, याद रखिएगा। सबसे पहला संशोधन, एक सप्ताह में मैक्सिमम 48 घंटा ही कार्य करेंगे। एक सप्ताह में, 1 वीक में, आप किसी मजदूर को 48 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते, करवा सकते, 48 आवर्स से ज़्यादा कार्य नहीं करवा सकते थे, करवा सकते अब नए नियम के अनुसार। ठीक, और इसको क्या करने वाले हैं, 48 आवर्स को मैक्सिमम एक सप्ताह में 4 दिन ही काम करवाओगे। मतलब एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 12 आवर। लेकिन 12 आवर एक दिन में काम करोगे तो एक सप्ताह में कितने दिन काम करना पड़ेगा आपको, 4 दिन। मतलब छुट्टी का दिन कितना हो गया आपका, है ना, छुट्टी का दिन आपका 3 दिन हो गया। कितना हो गया? 3 दिन हो गया, 3 डेज। तो 1 वीक में 3 दिन का भी प्रावधान है, 3 दिन छुट्टी मिलेगा आपको, अगर ये पास हो गया तो। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पास कर चुका है, हर स्टेट को अब पास करना बाकी है। ठीक, एक सप्ताह में 48 आवर से ज़्यादा काम आप नहीं ले सकते, पहला। दूसरा संशोधन, ठीक, दूसरा जो संशोधन है इसमें, सैलरी का 50% वेजेस में शामिल होगा। जो आपके सैलरी है उसका पूरा 50% वेजेस में चले जाएगा, वेजेस में चले जाएगा सर। मतलब जो ग्रेचुटी होता है, पीएफ होता है, ग्रेचुटी होता है, ये सब जो, मतलब आपको अपने तनख्वाह, जितना तनख्वाह होगा, सिर्फ 50% सैलरी मिलेगा, 50% सुविधाओं में जाएगा। आप जब रिटायरमेंट होंगे तो बहुत ज़्यादा आपको तनख्वाह मिलने वाला, बहुत ज़्यादा पैसे के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग होगा आपका, लेकिन सैलरी अब कम हो जाएगा क्योंकि 50% वेजेस में जाएगा। ठीक, वेजेस मतलब अन्य सुविधाओं में जाएगा, है ना। ठीक, तो सैलरी का 50% वेजेस में कर दिया गया है। ठीक, तीसरा क्या प्रावधान है, 2 दिन में सेटलमेंट होगा। अगर कोई नौकरी छोड़ देता है, ठीक, है ना, कोई जॉब अपना लेफ्ट किया, है ना, तो उसका 2 दिन में सेटलमेंट का प्रावधान है। 2 दिन में सेटलमेंट का प्रावधान, मतलब सर पहले क्या होता था, आप नौकरी छोड़ोगे उसके बाद आपका जो रुका हुआ सैलरी है, ठीक, आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है, उसको 30 से 60 दिन लग जाते थे सेटलमेंट करने में। कितना? 30 से 60 दिन लग जाते थे, उसको अब क्या कर दिया गया है, 2 दिन के अंतर्गत आपके रुकी हुई सैलरी सभी मतलब उसको देना पड़ेगा, ये सब कर दिया गया है। तो पहला जो मजदूरी भुगतान अधिनियम है, बोनस अधिनियम है, ये सब अधिनियम कौन कौन से अधिनियम हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, वो याद रखना पड़ेगा। इसी के तहत आपको फ्लोर रेट डिसाइड करते हैं इस संहिता के अंतर्गत, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, और क्या क्या संशोधन किया गया 2019 में जिसको अभी लागू करने वाले हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक, ये हो गया आपका क्या, कोड ऑफ वेजेस, मजदूरी संहिता, या वेतन संहिता अधिनियम 2019। ठीक, इसी के अंतर्गत और याद रखिएगा, एक और चेंजेस किया गया है, उसको लिखो ना लिखो, लेकिन एक बार मैं बोल दिया रहता हूँ, याद करके रखिएगा। इसी के अंतर्गत ये भी एक संशोधन में प्रावधान है कि जो मासिक वेतन है, जो महीने में जिसको वेतन मिलता है, ठीक, उसको अगले महीने के 7 तारीख के पहले तक वेतन देना जरूरी है। कितना? 7 तारीख के पहले तक वेतन देना जरूरी है। जो साप्ताहिक सैलरी उठाता है उसको सप्ताह के अंतिम दिन, और जो दैनिक वाले हैं, डेली वाले हैं, उसको उसी दिन वेतन देना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वेतन कभी 10 तारीख को आ रहा है, कभी 15 तारीख को आ रहा है, कभी 20 तारीख को आ रहा है, ऐसा नहीं है, 7 तारीख के पहले आ जाएगा भाई अब। ठीक, इसी के अंतर्गत कर दिया गया। अब देखो,
तो एक संहिता तो पढ़ लिए सर, अब देखते हैं क्या दूसरा संहिता। ठीक, दूसरा संहिता, तो दूसरा संहिता क्या है हमारा, औद्योगिक संबंध संहिता, कोड ऑफ इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020, औद्योगिक संबंध संहिता। तो इसको कैसे याद रखना है, औद्योगिक संबंध संहिता को। ठीक, चलिए देखते हैं, औद्योगिक संबंध संहिता में छटनी हो गया, हड़ताल हो गया, तालाबंदी हो गया, अगर क्वेश्चन आया आपको छटनी से रिलेटेड, हड़ताल से रिलेटेड, है ना, तालाबंदी से रिलेटेड, है ना, अगर कोई क्वेश्चन पूछा है कौन से संहिता के अंदर का आता है, तो औद्योगिक संबंध संहिता, टेक कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्योंकि इंडस्ट्री उद्योग मतलब हड़ताल, कभी उद्योग में हड़ताल होते रहता है, कभी कभी क्या तालाबंद कर देते हैं, छटनी किया जाता है। ठीक, इंग्लिश में लिख दें, छटनी को बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। इसको तो पता होगा आपको, हड़ताल मतलब स्ट्राइक, और तालाबंदी लॉकआउट, है ना। ठीक, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं इसमें औद्योगिक संबंध संहिता में आता है। ठीक, और क्या है सर, एकाध दो एक्ट देख लेते हैं, हालांकि ज्यादा एक्ट है, एकाध दो एक्ट देख लेते हैं जो इसके अंतर्गत आता है। पहला एक्ट याद रखिएगा, है ना, ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, है ना, इसी के अंतर्गत आता है। ट्रेड यूनियन मैं बताया था, जो पूरे समूह होता है, यूनियन होता है, ठीक, श्रमिकों के समूह को यूनियन बोलते हैं, ट्रेड यूनियन बोलते हैं। तो ट्रेड यूनियन, है ना, 1926 में आया था, है ना, 1926 में जो आया था ट्रेड यूनियन एक्ट, इसी के अंतर्गत रख दिया गया है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, औद्योगिक रोजगार अधिनियम को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, वो तो समझ में आता, नाम से ही समझ जाएंगे, औद्योगिक विवाद अधिनियम। ठीक, ये कब आया था, 1946 याद रखिएगा, है ना, औद्योगिक विवाद अधिनियम, है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी कब आया था, ठीक, ये भी याद रखिएगा, 1947 में। ठीक, ये सब एक्ट किसके अंतर्गत रखा गया है, इंडस्ट्रियल कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020, औद्योगिक संबंध संहिता में। ठीक, और जितने भी हड़ताल होंगे, छटनी होगा, तालाबंदी होगा, ये किसके संबंध में होगा, ठीक, तो औद्योगिक संबंध संहिता में होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, वो ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखना है उसमें, दूसरे में। तीसरा चीज, तीसरा क्या है, ठीक, तीसरा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2020, तीसरा जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2020 है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2020। ठीक, इसको कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जितने भी समाज वाला चीज होगा, है ना, ये इसी एक्ट में रखा जाएगा। ठीक, इस एक्ट को पूछना, मतलब सॉरी, इस एक्ट नहीं बोलना चाहिए, संहिता में, अधिनियम नहीं है, सुरक्षा अधिनियम नहीं है, सॉरी, ये सुरक्षा संहिता है। ठीक, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, है ना, 2020 में आया था। इसके अंतर्गत जो एक्ट है उसको पूछ सकता है कि ये एक्ट किसे, क्योंकि समाज वाला है, है ना, तो कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं इसमें देखना पड़ेगा आपको। ठीक, सबसे पहले याद रखिएगा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम इसमें आता है, कर्मचारी भविष्य निधि
अधिनियम, है ना, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, ये कब आया था, 1952 में, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 1952 में। और क्या सर, ठीक, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम भी इसमें आता है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम भी, है ना, ठीक, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट भी इसमें आता है। इसका भी यार थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1948, ठीक। और कौन सा एक्ट आता है, तो समाज से जुड़ा हुआ है तो मातृत्व लाभ, ठीक, मातृत्व लाभ अधिनियम जो 1961 में आया था, इसको बोलते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में। आज क्या देख रहे हैं, कौन सा एक्ट किसके अंतर्गत आता है, किसी भी एक्ट को पूछ सकता है। फिर आपके सिलेबस में जो जो एक्ट है उसको सारे को डिटेल करना पड़ेगा आप, ठीक, हमको। चलिए, और क्या आता है इसमें, मातृत्व लाभ के अंतर्गत, ठीक, उसके बाद क्या आता है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ठीक, इसमें आता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, है ना, ठीक, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972। और क्या आता है, ठीक, ग्रेच्युटी भुगतान, एम्प्लॉई एक्सचेंज एक्ट, एम्प्लॉई एक्सचेंज एक्ट भी इसी में आता है। इसको क्या बोलेंगे, कर्मचारी विनिमय अधिनियम भी बोलेंगे, ठीक, एम्प्लॉई एक्सचेंज एक्ट, है ना, 1959 वाला जो है, है ना, 1959, है ना। और क्या आता है इसमें, कर्मचारी मुआवजा, है ना, कंपनसेशन, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम भी आता है, ठीक, एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट भी इसी में आता है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, ठीक, 1923। इतने अधिनियम याद रखिएगा, है ना, इतने अधिनियम इसके अंतर्गत आता है, और भी हैं लेकिन इतना आपको याद रखना है, इतने अधिनियम इस कोड में आता है, इस संहिता में आता है, ठीक। इसमें और एक चीज़ याद रखिएगा, जो संशोधित किया जाना है, जो चेंजेस होना है, गिग वर्कर्स को भी अभी सामाजिक सुरक्षा में, इसी में और याद रखिएगा, सामाजिक सुरक्षा में सोशल सिक्योरिटी में, ठीक, गिग वर्कर को भी, है ना, शामिल करने का प्रावधान दिया गया है, ठीक, गिग वर्कर्स को भी शामिल करने का प्रावधान दिया गया है। अब ये गिग वर्कर पूछ देगा तो क्या होता है, है ना, गिग वर्कर क्या होता है, जो टेम्परेरी वर्कर हैं, जैसे ठेका वाला हो गया, ठीक, और जो फ्रीलांसर्स हैं, आजकल फ्रीलांसर जो होते हैं, है ना, ठीक, ऐसे वर्कर को फ्रीलांसर बोलते हैं, ऐसे 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 वर्कर को गिग वर्कर बोलते हैं। तो गिग वर्कर को भी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान दिया जाना है नए चेंजेस में, 2020 के चेंजेस में, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चौथा देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड क्या था आपका, है ना, जो स्वास्थ्य
व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य करने की स्थिति संहिता, यह भी क्या था 2020। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टेक द कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, द कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, ठीक, वर्किंग कंडीशन। हाँ, इसमें कौन कौन सा एक्ट आते हैं थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या आएंगे सर? सबसे पहले याद रखिएगा कारखाना अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 को इसी में रखा गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फैक्ट्री एक्ट को किस में रखा गया है, ठीक। और कौन सा अधिनियम? द माइंस एक्ट 1952, द माइंस एक्ट 1952, ठीक, खदान बोलते हैं, खान बोलते हैं, है ना, खान अधिनियम 1952 को भी इसी में रखा गया है, है ना। उसके बाद क्या है? बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट को भी इसी में रखा गया है, ठीक। बिल्डिंग ये कब आया? तो ये आया आपका 1996 में। और एक एक्ट याद रखिएगा, ठेका अधिनियम, जो ठेका दिया जाता है ना, तो ठेका अधिनियम, है ना, ठेका अधिनियम 1970, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970, इसको भी इसी संहिता के अंतर्गत रखा गया 2020, ठीक। ये तो हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या क्या इतिहास रहा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना, बस थोड़ा सा बचा है और देखिएगा, इतने सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना है आपको। आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या हुआ? आज़ादी के बाद, ठीक, संहिताएं आए, अलग अलग संहिताएं आए, अभी तक कितने संहिताएं हैं? चार, चारों को संशोधित किया गया, दो एक को 2019 में और बाकी तीन को 2020 में, तो इनका ईयर याद रखेगा, ठीक। चारों संहिताओं का नाम मजदूरी, औद्योगिक, सामाजिक और व्यवसायिक वाला है, ठीक। पहला क्या है? सबसे ज़्यादा संशोधन इसी में लाने वाले हैं, संशोधन को तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, कौन सा एक्ट किस में है दो चार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक। मजदूरी वाला है या वेतन वाला है तो कम से कम आपको ट्रिक पता रहना चाहिए, मजदूरी और वेतन वाला है तो जैसे मजदूरी का भुगतान, वेतन से संबंधित है बोनस, न्यूनतम मजदूरी, तो किस में होगा? इसी में होगा, उसको तो ध्यान ही नहीं देना है, बस यह याद रखना है, कभी कभी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया ये सब पूछ देता है 1948, है ना, जो थोड़ा अलग होगा, जैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम, ठीक, समान पारिश्रमिक किसके लिए होगा? मजदूरों के लिए होगा, है ना, इक्वल रेमुनरेशन मिले किसको? मजदूरों के, तो इसको इसी में रखा गया है, ये याद रखिएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध संहिता, उद्योग में क्या होता है? छटनी होता है, हड़ताल होता है, तालाबंदी होता है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया इस संहिता के अंतर्गत याद रखिएगा, और कुछ एक्ट इसमें औद्योगिक वाला जो होंगे वो याद रखिएगा, उद्योग वाला तो समझ जाओगे आप लोग, ट्रेड यूनियन वाला बस याद करना पड़ेगा भाई इसमें। और क्या है भाई? सामाजिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता में कौन कौन से एक्ट आते हैं याद रखिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक। और इसमें गिग वर्कर को याद रखिएगा, इसको भी सम्मिलित करने का प्रावधान है, है ना, ठीक। उसके बाद व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य करने की स्थिति संहिता, इसमें क्या क्या एक्ट हैं वो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले में हम क्या देखे थे,
आफ्टर इंडिपेंडेंट, जो इम्पॉर्टेंट है उसको पहले देख लिए, ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, ब्रिटिशों के समय क्या स्थिति था, है ना। ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, है ना, ब्रिटिशों के समय तो जो ब्रिटिश राज है उसमें दो ही एक्ट आपको याद रखना है, एक 1833 का, ठीक 1833 का, और एक 1929 का, 1947 के पहले जो दो था, ठीक ये याद रखना है। 1833 का फैक्ट्री एक्ट, है ना, कारखाना अधिनियम को, 1833 के फैक्ट्री एक्ट को याद रखना है। और क्या याद रखना है सर, 1929 में क्या आया, 1929 में व्यापार विवाद अधिनियम आया था, व्यापार विवाद अधिनियम जो आया था, ठीक, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो आया था 1929 में। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ब्रिटिश राज में दो एक्ट, फैक्ट्री कारखाना अधिनियम 1833 और व्यापार विवाद अधिनियम कब आया था, 1929 में। इसमें कुछ कुछ चीज़ों का हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक, कुछ कुछ चीज़ों को याद रखना है। जैसे फैक्ट्री एक्ट में क्या आया था, 8 आवर्स बस काम कर सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 8 आवर्स लिमिट क्या किया गया था, है ना। नाइट में महिलाओं को, वुमेन काम नहीं करेंगे, ये आया था, नाइट में वुमेन काम नहीं करेंगे ये आया था। और अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है, मतलब जो टाइम लिमिट है उसको मजदूरी दिया जाएगा, ओवर टाइम का अलग से मजदूरी, सिर्फ तनख्वाह में नहीं जोड़ा जाएगा, ये आया था 1833 के फैक्ट्री एक्ट में, याद रखिएगा। व्यापार विवाद अधिनियम में क्या होता है, ठीक, कभी कभी हड़ताल होता था, तालाबंदी होता था, उसके लिए, है ना, यहां पे याद रखिएगा, हड़ताल और तालाबंदी से रिलेटेड, तालाबंदी से रिलेटेड, ठीक, स्ट्राइक और लॉकआउट से रिलेटेड जो भी चीजें थे, जैसे हड़ताल, ठीक, कौन करेगा हड़ताल, तो मजदूर करेंगे, ठीक, तो मजदूर करेंगे तो किसको अधिकार देना जरूरी है मजदूर को रोकने के लिए, है ना, तो वो औद्योगिक कर्ता, ठीक, जो उद्योग में होंगे। तो याद रखिएगा ये हड़ताल के लिए नियोक्ता का अधिकार, नियोक्ताओं को अधिकार दिया गया, नियोक्ता मतलब जो एम्प्लॉयमेंट दिया है, जो भी नियोक्ता दिया है, जैसे उद्योग हो गया तो उद्योग का कोई मालिक होगा वो नियोक्ता होगा, ठीक, जो एम्प्लॉयर है, ठीक, एम्प्लॉयर जो है, तो एम्प्लॉयर को अधिकार दिया गया हड़ताल से रिलेटेड, कोई कोई वर्कर हड़ताल कर रहा है तो कितने घंटे कर सकता है, कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा उसको, कितने दिन में ये समाप्त हो जाना चाहिए, ये सब अधिकार दिया गया व्यापार विवाद अधिनियम में। और तालाबंदी, कभी कभी क्या होता है, तालाबंदी हो जाता था, ठीक, ये मजदूरों का अधिकार दिया गया, ठीक, एम्प्लॉयज को राइट्स दिया गया, किससे रिलेटेड, तालाबंदी से, क्योंकि तालाबंदी अगर कर देंगे एम्प्लॉय क्या करेंगे उसके बाद, एम्प्लॉयज को मान लो कोई उद्योग बंद हो गया, ताला बंद कर दिए, तो क्या उसके नियम कानून होंगे, कितने दिन पहले उनको बताना है, कितना मजदूरी देना पड़ेगा, जो बचा हुआ मजदूरी है कब तक देना पड़ेगा, ये तालाबंदी में मजदूरों को क्या करना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा। तो ये दोनों अधिकार किसके तहत आए, याद रखिएगा 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम में आया था, ठीक। इसके बाद जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो सभी एक्ट को 4 संहिताओं में अभी तक बांट दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक। इतना चीज़ें आपको हिस्ट्री में याद रखना है। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक। अब संवैधानिक प्रावधान क्या है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, ठीक। चलिए, थैंक यू।